Yes. Now I am starting the Woodward Fisher rule in UV spectrophotometry या spectroscopy. Okay. तो ये जो UV spectroscopy है इसके अंदर student जो सबसे important चीज होती है वो है lambda. यानी कि lambda जो है वो maximum कैसे calculate होता है वुडवर्ड फिशर थ्योरेटिकली वुडवर्ड फिशर रूल के अकॉर्डिंग, तो उसका अपन को डिस्कशन करना. इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक कंसेप्ट है जो पहले आप सीखेंगे और उसके बाद आप जो है वो स्टूडेंट्स इसको थ्योरेटिकली कैलकुलेट करेंगे. तो पहले मैं आपको कुछ रूल्स बताता हूँ, वुडवर्ड फिशर रूल को अप्लाई कैसे किया जाता है वो अपन को देखना है इसके अंदर. तो देखिए वुडवर्ड फिशर रूल, तो अपन सबसे पहले वुडवर्ड फिशर रूल होता है, इसके टोटल तीन पार्ट है जिसमें से फर्स्ट पार्ट जो है वो अल्काडाइल्स यानी एल्कीन के अंदर कंजुगेटेड इन के अंदर यूज करेंगे एक. तो सेकेंड वुडवर्ड फिशर रूल होता है वो कार्बोनाइल कंपाउंड्स के लिए होता है स्टूडेंट्स, और थर्ड जो होगा वो आपका एरोमेटिक कंपाउंड्स के, यानी एरोमेटिक के ऊपर सब्स्टिट्यूशन भी होगा. तो तीन मेजर पार्ट होते हैं वुडवर्ड फिशर रूल को कैलकुलेट करने के. अब उसमें से आपका सबसे पहले जो आता है वो है आपका अल्काडाइन्स यानी कि कंजुगेटेड डाइन्स. तो हम सबसे पहला पार्ट ले रहे हैं वो है कंजुगेटेड डाइन्स एंड ट्राइन्स, ये दो रहेंगे स्टूडेंट्स, कंजुगेटेड डाइन्स एंड ट्राइन्स. इसके लिए तो आप देखिए सबसे पहले मीनिंग अपन सीखते हैं कंजुगेशन का क्या मतलब होता है. तो ये हो जाएगा कंजुगेटेड डाइन्स या ट्राइन्स क्या होते हैं पहले ये अपन देखें स्टूडेंट्स. कंजुगेशन जो होता है इसका मतलब अल्टरनेट आपके पास में डबल बॉन्ड होना चाहिए, ये कंजुगेशन है. तो इसको अपन क्या बोलेंगे, कंजुगेशन. और इसी कंजुगेशन बेसिक के अंदर अभी अपन वैलेंसी पे नहीं जा रहे, सिर्फ ये कंजुगेशन पार्ट है. अगर मैं इसके अंदर एक डबल बॉन्ड और इंक्रीज करता हूं एक डबल बॉन्ड, तो ये आपका ट्राइन्स में कन्वर्ट हो जाएगा, सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी. ठीक है, इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा ये. तो ये आपके पास में टोटल जो आ गया वो ट्राइन्स तक आ गया. तो कंजुगेशन में गैप नहीं होना चाहिए, सबसे पहले तो उसके अंदर आपके अल्टरनेट जो हो वो आपके पाई बॉन्ड्स इसमें होने चाहिए, तो उसको अपन बोलते हैं कंजुगेशन. ठीक है, पहली चीज नंबर वन. दूसरा स्टूडेंट्स, अब इस कंजुगेशन के अंदर जहां आपका डबल बॉन्ड है वो बेस वैल्यूज के लिए काम आएगा, तो इसके लिए अपन को कुछ रूल्स रेगुलेशन सीखना है. वो है नंबर वन, बेस वैल्यूज क्या होता है. वुडवर्ड फिशर रूल अप्लाई जब करते हैं थ्योरेटिकली तो उसके अंदर कुछ बेस वैल्यूज आपको याद करते हैं, तो इसको अपन सबसे पहले लिख देते हैं बेस वैल्यूज. ओके, बेस वैल्यूज के अंदर स्टूडेंट्स दो तरह की चीजें होगी, एक तो कोई भी ये जो इंस है ये आपकी ओपन चेन में हो सकती है, इसमें होगी ओपन चेन, और ओपन चेन के साथ जिसको अपन एलीसाइक्लिक भी असाइक्लिक भी कह सकते हैं, और इसके साथ में एक और जोड़ दीजिए जिसको बोलेंगे हेट्रोएन्युलर. कौन सा होगा, हेट्रोएन्युलर, ये दो चीजें. तो आप देखिए ऐसा ओपन चेन है या हेट्रोएन्युलर है, इसके लिए आपको लैम्डा कितना मानना है. तो आपका लैम्डा फिक्स रहेगा उधर बेसिक के अंदर, तो इसके अंदर लैम्डा हम कितना मानेंगे. ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसमें देखिए आपको लैम्डा मैक्स की जो वैल्यू लेनी है वो 214 नैनोमीटर लेनी है, कितनी 214 नैनोमीटर लेंगे. अब इसमें देखिए स्टूडेंट्स ये वाली जो हेट्रोएन्युलर क्या होता है, इसका मीनिंग ध्यान रखना. हेट्रोएन्युलर का मतलब होगा कि जैसे आपके पास में एक साइकिल है और उस साइकिल के अंदर एक बॉन्ड बाहर आ रहा हो और एक बॉन्ड इनसाइड में, ऐसा हो सकता है. तो वन विल बी आउटसाइड ऑफ रिंग, वन इज इनसाइड, तो ये हेट्रोएन्युलर फॉर्म कहलाएगी आपकी. कौन सी कहलाएगी, हेट्रोएन्युलर फॉर्म, इसको हेट्रोएन्युलर फॉर्म बोलेंगे. ठीक है, और सेकेंड वन जो होगा बच्चों वो उसमें जैसे आपके पास में इस तरह की डबल रिंग बन जाती है, तो डबल रिंग में भी आपका जैसे एक पाई बॉन्ड आपका जो आ रहा हो इस रिंग में है और दूसरा पाई बॉन्ड इस रिंग में आ रहा है, तो अगर वो दो डिफरेंट रिंग में भी आ रहा हो, टू डिफरेंट रिंग के अंदर भी अगर आपका आ रहा हो तो इसको बोलेंगे. तो ये दोनों ही जो सिचुएशन है दैट इज कॉल्ड हेट्रोएन्युलर. कौन सा कहलाएगा बच्चों, हेट्रोएन्युलर.
तो ये हेट्रो एंगुलर, या फिर हमारे पास में जैसे ऊपर हमने लिखा तो मिनिमम जो वो आपकी दो डबल बॉन्ड मिनिमम होनी चाहिए ओपन चेन के अंदर, एक्सटेंड हो सकता है तो मिनिमम ये रहेगा। यानी इस तरह का कोई भी बेस स्ट्रक्चर बनेगा तो उसका हमेशा आपको नैनोमीटर जो वेवलेंथ माननी है मैक्सिमम वो 214 मान, पहली बेस वैल्यू याद कर लीजिए साथ साथ में। सेकेंड जो बेस वैल्यू होगी स्टूडेंट्स वो हमारी रहेगी क्लोज चेन, यानी कि इसको अपन कह सकते हैं होमो एन्युलर अगर रिंग हमारे पास में है। कैसी? होमो एन्युलर। तो होमो एन्युलर के स्टूडेंट इस तरह से होगा जिसमें आपके पास में दोनों ही जो पाई बॉन्ड है वो एक ही रिंग में होने चाहिए, जैसे ये देखिए साइक्लोहेक्साडाइन, या आपके पास डबल रिंग भी है तो भी उसमें से जो पाई बॉन्ड होने चाहिए दोनों अल्टरनेट हो, और अल्टरनेट होने के साथ साथ वो एक ही रिंग का पार्ट होना चाहिए, कितना? सिंगल रिंग का पार्ट होना चाहिए। तो ये स्टूडेंट्स दोनों आप देखेंगे तो दीस आर दी, बिकॉज सेम रिंग के अंदर आपका क्या आ रहा है, तो सेम रिंग के अंदर अगर बोथ पाई बॉन्ड, ठीक है, तो इसको सेम रिंग विद बोथ पाई बॉन्ड, एक ही बोथ पाई बॉन्ड, ठीक है, एक ही रिंग में दोनों पाई बॉन्ड्स इसके अंदर होने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट होगा। तो ये पहला रूल आपका तैयार हुआ जिसमें, और इसका कितना मानना है तो इसकी जो प्रैक्टिकल वैल्यू वुडवर्ड फिशर रूल में आपको मिलेगी वो 253 मिलेगी स्टूडेंट। तो ये पक्का याद कर लीजिए बेस वैल्यू, क्योंकि जैसे ही अपन इसको कैलकुलेट करेंगे तो बेस वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होगी, तो ये आपके पास में लैम्डा मैक्स हो जाएगा, ठीक है, 253। तो ये दो बेस वैल्यू, अब इस दो बेस वैल्यू के अंदर स्टूडेंट्स कई बार सब्स्टिट्यूएंट आएगा है, कहीं पे भी अपन सब्स्टिट्यूएंट वगैरह जोड़ेंगे तो उसको बोलते हैं इंक्रीमेंट वैल्यू। क्या नाम देंगे उसको? इंक्रीमेंट वैल्यू अपन इसमें नाम देंगे कि कितना आप इंक्रीमेंट फॉर ईच, तो साइड में अपन इसके अलावा जो है उसको लिख देते हैं इंक्रीमेंट फॉर ईच। अब मैं इसका कंक्लूसिव टेबल साइड में बना देता हूं और उसके बाद उसकी आपको प्रैक्टिस करा देता हूं कि किस तरह से इस वैल्यूज को अपन यूज करेंगे। तो ये तो हुआ वुडवर्ड फिशर रूल अल्काटाइन अल्काट्राइन्स पे अप्लाई करने से पहले, अप्लाई करने से पहले आपको क्या डाटा टेबल याद रखनी है। तो इस स्ट्रक्चर से स्टूडेंट्स अपन को फाइनली ये कंक्लूजन है, इसको बोलेंगे डाटा टेबल। तो यहाँ पे अपन एक टेबल याद कर लेते हैं साथ साथ में कि इसके अंदर क्या क्या आएगा। तो देखो हम वुडवर्ड फिशर रूल अप्लाई करेंगे तो उसके लिए वैल्यूज, इसमें एक तो अपने पास था बेस वैल्यूज कौन कौन सी अपन काम में लेंगे। तो स्टूडेंट जो पहली बेस वैल्यू इसके अंदर होगी वो होगी आपका ए साइक्लिक, यानी कि ओपन चेन या हेट्रो एन्युलर। हेट्रो एन्युलर इसके लिए कितना लेना है? 214 nm पहला। और सेकेंड बच्चों होमो एन्युलर देखिए, होमो एन्युलर होमो एन्युलर के लिए कितनी लेनी है? 253 nm। कितनी लेंगे बच्चों? 253 nm। इसके अलावा जो बोलेंगे उसको अपन बोलेंगे एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट, ठीक है, तो यहां नीचे लिख दीजिए, ठीक है, इंक्रीमेंट फॉर ईच। नीचे जो वैल्यू दे रहे हैं ये आपके इंक्रीमेंट वैल्यूज दे रहे हैं, इस किसकी इंक्रीमेंट वैल्यूज कौन कौन सी होगी स्टूडेंट्स? तो इसके अंदर पहला तो होगा एल्काइल ग्रुप कोई सब्स्टिट्यूटेड हो, या इसको बोलते हैं बच्चों रिंग रेजिड्यू। रिंग रेजिड्यू मतलब सप्लीमेंट रिंग का भी, जैसे एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं, सपोज आपके पास में स्टूडेंट्स सी डबल बॉन्ड सी, ये कोई अल्काडाइन्स है और इसके जो आपका डाइन्स बना बच्चों इसके किसी भी पार्ट पे मैं आर ग्रुप लगा दूं ये कहलाएगा एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। और इसकी जो आपको वैल्यू काम में लेनी है वो वैल्यू लेनी स्टूडेंट्स 5 nm। कितनी ले लेंगे आप? 5 nm इसकी वैल्यूज ले लेंगे आर की, जो भी एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट होगा उसको हमेशा 5 nm जोड़ेंगे। अब एक जो वर्ड लिखा रिंग रेजिड्यू का क्या मतलब होता है, तो कई बार हमारे पास एज ए सब्स्टिट्यूएंट जो होगा वो रिंग रेजिड्यू, क्योंकि ये जो कार्बन हो सकता है स्टूडेंट ये किसी साइकिल का कार्बन भी हो सकता है, तो जब ये साइकिल का कार्बन बनेगा तो उस केस में यहाँ पे आर ग्रुप तो नहीं होगा, तो आर ग्रुप जब नहीं होगा बच्चों तो इसको बोलते हैं रिंग रेजिड्यू। वैल्यू वही रहती है इसकी भी, लेकिन इसको डेजिग्नेशन में आर ग्रुप नहीं मानते, इसको क्या मानते हैं? रिंग रेजिड्यू, ठीक है। तो रिंग रेजिड्यू की जो वैल्यू होगी स्टूडेंट्स वो भी आपके इक्विवेलेंट टू कितनी आएगी? आर के इक्विवेलेंट, यानी कि
रिंग रेजिड्यू की वैल्यू क्या हमेशा कितनी मानेंगे, 5 ml। तो ये 5 ml आप इसके अंदर वैल्यूज प्लेस करेंगे। ये तो हो गया पहला एल्काइल ग्रुप के रेस्पेक्ट। अब जो सेकंड होगा बच्चों, एल्काइल ग्रुप के बाद में सेकंड पॉइंट इसमें लिखे और क्या इंक्रीमेंट हो सकता है, तो एक होगा एक्सटेंडेड कंजुगेशन। ठीक है, यानी कि आपको अगर दो पाई अल्टरनेट पाई बॉन्ड के बाद एक एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड मिलता है तो इसको नाम देंगे एक्सटेंडेड कंजुगेशन। एक्सटेंडेड कंजुगेशन अभी एग्जांपल देंगे आपको 30 ml मानना है। उसके अलावा स्टूडेंट्स कहीं पे भी अपने पास एल्कोक्सी ग्रुप आ जाए, कौन सा OR, तो सब्सट्रेट में तो एल्कोक्सी ग्रुप आ जाए तो सिर्फ 6 ml मानना है। कोई भी हैलोजन मोस्टली क्लोरीन या ब्रोमीन कहीं पे भी आएंगे तो उसको एज ए सब्सट्रेट अपन 6 ml मानेंगे। और एक जो कंजुगेशन होता है स्टूडेंट्स, ये कंजुगेशन आपका एक्सो रिंग नेचर को एक्सो, यानी कि जैसे मान लीजिए सपोज आपके तो एक तो लेना इसके अंदर एक्सोसाइक्लिक, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। ठीक है, डबल बॉन्ड यानी कि अगर कोई रिंग के रेस्पेक्ट में कोई पाई बॉन्ड बाहर की तरफ, जैसे अभी मैंने और भी एग्जांपल, जैसे ये एग्जांपल इसमें डबल बॉन्ड बाहर आ रहा है, तो बाहर जो रिंग के जस्ट अटैच कार्बन से बाहर की तरफ अगर उस रिंग के रेस्पेक्ट में होता है तो उसको बोलेंगे एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। तो वो डबल बॉन्ड आपको जो काउंट करना है स्टूडेंट्स, दैट इज अगेन 5 ml। इसका भी आपको बच्चों कितना जोड़ना है, 5 ml। ये कुछ खास बातें जो वुडवर्ड फिशर रूल में अपन को अप्लाई करनी है। अब देखो अपन इसकी प्रैक्टिस करते हैं कि ये रूल काम कैसे आएंगे। ठीक है, ये तो हुए वुडवर्ड फिशर के इंपॉर्टेंट रूल्स जो आपके काम आने हैं। अब इसमें देखिए मैं प्रैक्टिस कराता हूं आपको। सपोज स्टूडेंट्स आपको ये कह दे कि ये कोई स्ट्रक्चर गिवन है, इस स्ट्रक्चर के लिए लैम्डा मैक्स कितना आएगा, जैसे ये कोई स्ट्रक्चर अपन ने लिया। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए सबसे पहला काम आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, इसमें से बेस वैल्यू पहले पहचाननी है कि दोनों में से कौन सा अप्लाई होगा। तो आपका स्ट्रक्चर कैसा, ओपन चेन है यानी कि ए साइक्लिक है, तो ए साइक्लिक की बेस वैल्यू कितनी मानेंगे आप, 214 ml। तो ये 241 ml आ गया पहला। ठीक है, और दूसरा अब देखो जहां जहां तक आपका कंजुगेशन है उसको पहले लॉक कर दीजिए, ये यहाँ पे इस तरह से इस वैल्यूज को पहले लॉक कर दीजिए, ये कंजुगेशन का 14 बेस वैल्यू आपकी ये। अब बेस वैल्यू के साथ में एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट इनमें से कौन प्रेजेंट है, इसमें क्या देखना है, कोई सब्सट्रेट है क्या, यस। तो देखो इस कार्बन से ये ऊपर जा रहा मतलब इस कंजुगेशन कार्बन से एक सब्सट्रेट जुड़ा हुआ, और इधर भी नीचे आ रहा है इसका मतलब यहाँ एक सब्सट्रेट, तो कितने सब्सट्रेट हो गए, 2। तो ये 2 एल्काइल ग्रुप के इक्विवेलेंट होंगे, और एल्काइल ग्रुप का कितना मानना है स्टूडेंट, 5 ml। आर लिखा हुआ है तो कोई भी आर होगा उसका हमेशा 5 ml आप उसमें वैल्यू मानेंगे। तो 5 ml इसके साथ हो जाए कितने हो गए, 2। तो इसको कर दीजिए 5 × 2, तो ये आपके पास में 10 इसमें और ऐड, और कुछ है नहीं इसके अंदर, ओपन चेन है, तो ये 2, ठीक है 4, और ये आपकी 2 हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 224 ml। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब अपन रिंग में चलते हैं, साइक्लिक कंपाउंड्स में हो तो कैसे करें। जैसे स्टूडेंट्स अगर आपको नेक्स्ट एग्जांपल इस तरह से दे दिया जाता है, ठीक है ये इस तरह से वैल्यूज गिवन है, ये वैल्यू गिवन है स्टूडेंट्स। अब आपको कहे कि इसका, और एक आप इसमें RB लगा सकते हैं या CL लगा, ठीक है आपको ये कोई कंपाउंड दे रखा है, इस कंपाउंड का अपन को लैम्डा मैक्स निकालना है। तो लैम्डा मैक्स कैसे निकालेंगे, तो वो देखिए स्टूडेंट्स इसमें सबसे पहले कंजुगेशन कार्बन जहां तक है उनको लॉक कर दीजिए। तो देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो ये यहां से यहां तक बच्चों आपका ये कंजुगेशन डबल बॉन्ड हो गया पहली चीज। इसका बेस वैल्यू कैसा है, देखो ध्यान से देखिए स्टूडेंट, एक बॉन्ड रिंग के अंदर है, एक बॉन्ड रिंग के बाहर है, इसका मतलब हेट्रो एन्युलर बिहेवियर हो गया, होमोनी, होमो का मतलब दोनों रिंग के अंदर होने चाहिए, तो ये कैसा रहेगा, हेट्रो एन्युलर बिहेवियर हो गया। तो हेट्रो की वैल्यू वापस कितनी मानोगे, बेस वैल्यू 214, एक तो ये हो जाए। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट ध्यान से देखिए बेटा, इसमें जो कंजुगेशन के 4 कार्बन है इस पे कोई भी चीज डायरेक्टली अटैच होगी या वो किसी से कनेक्टेड है तो वो सारे कंसीडर होंगे। जैसे देखो इस कार्बन का ये रिंग वाला पार्ट है, यहाँ ये आपका सब्सट्रेट रिंग रेजिड्यू, तो यहाँ पे इसको क्या बोलोगे, रिंग रेजिड्यू, तो रिंग रेजिड्यू का 5 ml यहाँ से ले लीजिए,
फिर देखो यहाँ पे वापस से ये क्या आ गया, इसको भी बोलेंगे स्टूडेंट्स रिंग रेजिड्यू बोलेंगे, तो ये आपका रिंग रेजिड्यू आ गया, ठीक है। तो और ये देखो बच्चों क्लोरो लगा आ गया, ठीक है। तो देखो हेलोजन का अपन ने कितना माना था, ठीक है, हेलोजन 6 NM। तो आप देखिए सबसे पहले तो दो रिंग रेजिड्यू आ गए, तो एक का कितना होता 5, तो दो का हो गया 10, तो इसको अपन लिख सकते हैं 2 × 5, तो 10, तो ये हो गया। अब इस बार Cl हेलोजन एक्स्ट्रा, तो हेलोजन का कितना मानना है 6 NM, तो ये आपका हेलोजन इक्वल्स टू 6 NM। यस, इसकी जो टोटल होगी वो आपका लैम्डा मैक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका टोटल कितना हो गया 10, रिमेन्स 1, तो 3 और 2, ठीक है। तो ये आपके पास में 230 NM जो आ गया वो कौन सा आ गया बच्चों, रिंग रेजिड्यू के साथ में, तो इस स्ट्रक्चर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 230, ठीक है। अब अपन कुछ और प्रैक्टिस करते हैं इसके अंदर, तो ये दो स्ट्रक्चर तो आपके हेट्रो एन्युलर के अंदर इसको प्लेस कर देंगे। नाउ सी नेक्स्ट इसमें किस तरह से करेंगे, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं आप। यस, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3 स्टूडेंट्स, एग्जांपल नंबर 3 में देखिए, जैसे आपके पास में ये रिंग है, ठीक, इस रिंग के अंदर मान लीजिए सपोज मैंने यहां पे और यहां पे कोई बॉन्ड है ना, इस तरह से, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, तो सबसे पहले ये ध्यान रखना, इसके अंदर सबसे पहले बेस वैल्यू को पहचानिए, बेस वैल्यू कौन सी हो सकती है। तो बेस वैल्यू के लिए स्टूडेंट्स देखो, दोनों जो पाई बॉन्ड आ रहे हैं वो अलग अलग रिंग में आ रहे हैं, यानी कि एक एग्जांपल फिर से अपन इसमें जा रहे हैं हेट्रो एन्युलर। तो सबसे पहले तो आपकी जो गिवन रिंग है बच्चों वो हेट्रो एन्युलर है, हेट्रो एन्युलर फॉर्म्स में है, तो हेट्रो एन्युलर की वैल्यू कितनी मानेंगे 214 NM पहला। दूसरा मैंने कहा था रिंग रेजिड्यू या आर, तो देखो सबसे पहले तो आपका कंजुगेशन कहां तक है वो ले लीजिए, ये कंजुगेशन है। अब देख कंजुगेशन के लास्ट कार्बन पे रेजिड्यू 1, ये रेजिड्यू 2, बस उस कार्बन से कनेक्ट होना चाहिए ये रेजिड्यू 3, यानी कि 3 × 5, तो 15 आपका ये हो जाएगा रिंग रेजिड्यू, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स, ये जो पाई बॉन्ड आपको दिख रहा बीच में ना इस रिंग के रेस्पेक्ट में, तो ये जो इस रिंग के रेस्पेक्ट में जो आ रहा है वो ये वाली जो चीज आ रही है स्टूडेंट्स, ये इस रिंग के रेस्पेक्ट में एक्सो है। और जैसे मैंने आपसे लिखा कि एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड जो होगा रिंग के रेस्पेक्ट में उसका आपको कितना जोड़ना है, प्रीवियस में भी ऐसा हो तो उसमें भी ऐड कर देना 5, अगर कोई एक्सो बन रहा हो तो इसमें 5 आपका किसका जुड़ जाएगा एक्सो का, तो इंटू 1, तो ये 5 इसमें और ऐड कर देंगे एक्सो के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है, 10 4, ठीक है, 14 1, और ये 3 हो जाएगी और ये 2, तो ये आपका 234 NM वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग फॉर नेक्स्ट 4 नंबर। यस स्टूडेंट्स, अगर आपके पास में इस तरह का कोई एग्जांपल है रिंग के अंदर जिसमें ये रिंग आगे भी सब्यूट है और यहां से अपन सपोज इस तरह इस रेस्पेक्ट में दे दिया आपको ये ऐसे, ये कोई वैल्यूज नहीं, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी है वो है कि देखो इस रिंग को अगर अपन देखें तो ये रिंग होमो एन्युलर में आ रही है, इसमें आ रही है होमो एन्युलर के अंदर, और ये वाली जो पार्ट अगर मैं इसको और इसको कंसिडर करता हूं तो ये हेट्रो एन्युलर, क्योंकि अलग, तो ऐसे केस में ये बहुत अच्छा केस है इसमें कि कौन सी वैल्यू कौन, तो हमेशा ध्यान रखिए कि अगर होमो और हेट्रो दोनों प्रेजेंट हो तो हमेशा हेट्रो होमो एन्युलर को प्रेफरेंस दी जाएगी, यानी कि जो लैम्डा मैक्सिमम होगा उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। तो ये हमारे पास में ये वाला, तो इसको अपन पहले बेस मान लेंगे, तो बेस पीक कितना हो जाएगा 253 NM, ये बेस पीक हो जाएगा बच्चों पहला, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो होगा स्टूडेंट्स, अब ध्यान से देखिए, इसके बाद में अपन क्या देखेंगे एक्सटेंडेड, तो देखो ये सिंगल बॉन्ड ये एक्सटेंडेड में आ जाएगा, ठीक है, इसको बोलेंगे एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड। एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड जो होगा वो 30 NM माना जाएगा, ये 30 NM इसका ले लीजिए। अब ध्यान से इस रिंग के रेस्पेक्ट बच्चों ये एक्सो है, तो इसीलिए इसको एक्सो के रेस्पेक्ट में लेंगे, तो ये आपका 5 आ जाएगा एक्सो के रेस्पेक्ट में NM, ठीक है। अब ध्यान से देखो रेजिड्यू कितने हैं, देखो ये रेजिड्यू 1, या जब तक एक्सटेंशन वहां एंड पे जाकर के बाद में, तो 1 2 3, तो
तो ये आपके पास में थ्री जो होंगे इनको क्या बोलेंगे बच्चों, रिंग रेजिड्यू। तो ये थ्री इंटू फाइव लिख दीजिए यहाँ पे नीचे, तो ये थ्री इंटू फाइव बच्चों टोटल 15 हो जाएगा। टोटल कितना आ जाएगा 15, ठीक है। तो 15 आने के बाद आप देखो टोटल कर लीजिए इसकी 10, ये आपका 3 हो जाएगा और 8, ठीक है ठीक है, 3 हो गया ये वाला, 5 10 10 3, और ये आपका हो जाएगा 5 और 3 8 और ये 9, ठीक है 9 हो जाएगा 9, इसको ऐसे ले लीजिए 5 5 10 3 और ये हो जाएगा 8 9 और ये हो जाएगा, तो 293 mm इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ और एग्जांपल्स देख लीजिए कि एल्काडाइन्स और एल्काट्राइन्स को किस तरह से यूज किया जा सकता है, पैथोलॉजिकल वैल्यू इन वुडवर्ड फिशर रूल। तो वुडवर्ड फिशर रूल के अंदर हम कैसे कर सकते हैं इसको, तो बहुत सारे एग्जांपल्स आप इसमें प्लेस कर सकते हैं। ओके सो लेट अस कंटिन्यू। और भी स्ट्रक्चर्स इसमें ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए सपोज आपका इस तरह से स्ट्रक्चर दे रखा हो, ठीक है, जिसमें सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड और कोई भी आर रेजिड्यू ले लिया, सपोज आपने आर ग्रुप लगा, ठीक है, ये इस तरह से। अब इस स्ट्रक्चर का आपको निकालना हो तो कैसे करेंगे, इसके अंदर सबसे पहले वही एलिसाइक्लिक है, ओपन चेन है, तो बेस वैल्यू इसकी कितनी मानेंगे 214 इसकी बेस वैल्यू हो जाएगी। और उसके बाद में ये देखो दोनों में से कोई भी एक कंजुगेशन मान लीजिए जहां से मैं एक को एक्सटेंड करना है ना, तो सपोज आपने ये वाला कार्बन बच्चों एक्सटेंड किया, ठीक है 214, और उसके बाद में ये जो आर आ रहा बच्चों ये तो एक्सटेंशन कितना एक है, तो यहाँ लिख दो एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का कितना जोड़ते हैं हमेशा 30 mm एक्सटेंशन का जुड़ता है, और ये क्या है इधर कोई सप्लीमेंट है नहीं, एक ही सप्लीमेंट आया इस पे, इधर भी कोई सप्लीमेंट नहीं है क्योंकि एक्सटेंशन के बाद चाहिए, तो एक ही आ रहा है, और एक आर का कितना जोड़ेंगे 5 mm स्टूडेंट्स इसमें ऐड कर देंगे, तो ये आपका 9 हो जाएगा 42 mm, ठीक है 942 mm इस तरह से। या नेक्स्ट एग्जाम्पल एक अपन और ले लें, अगर दो रिंग को अपन ऐसे जोड़े स्टूडेंट्स इस तरह से बाइफिनाइल की तरह, और उसके बाद में एक डबल बॉन्ड आप जो है वो इस बेस पे लगा दें और दूसरा डबल बॉन्ड इस बेस पे लगा दें, ये ऐसे, ठीक है, तो अब कैसा माना जाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड अलग अलग कॉम्बिनेशन में है तो इसीलिए हेट्रोएंगुलर। तो आप देखो इस कार्बन से होते हुए इस कार्बन तक जो होगा बच्चों ये आपका क्या कहलाएगा हेट्रोएंगुलर। तो हेट्रोएंगुलर की बेस वैल्यू कितनी मानेंगे 214 mm पहला। अब रिंग रेजिड्यू बस, और बाकी इसमें कितने हैं, यहाँ तक कोई एक्सटेंडेड कंजुगेशन है नहीं। अब रिंग रेजिड्यू देखो जहां जहां मैं मार्क कर रहा हूँ ये सारे बच्चों आपके रिंग रेजिड्यू 1, रिंग रेजिड्यू 2, रिंग रेजिड्यू 3, रिंग रेजिड्यू 4, ये 4 हो जाएगी, ठीक है। तो इसको लिख दीजिए 5 × 4 कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 20 mm, ठीक है टोटल, तो 20 mm कर दीजिए इसके साथ में 4 3 2 mm, तो ये आपका 2 3 4 mm इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप इसमें और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे और कोशिश करते हैं अपन इसमें वुडवर्ड फिशर रूल को कैसे एल्काडाइन्स और एल्काट्राइन्स में अप्लाई किया जा सके। बस ये बेस वैल्यू सारी आपको ध्यान होनी चाहिए। अब स्टूडेंट्स मान लीजिए आपके पास में ये जो कॉम्बिनेशन है वो इस तरह से आ गया जिसमें डबल बॉन्ड बीच में प्लेस कर दिया दो रिंग को जोड़ने के लिए, इस तरह का कोई एग्जांपल आपको दे दिया गया हो, तो इस एग्जांपल में ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स। अब इसको कंजुगेशन बढ़ाने के लिए हमने क्या किया, एक डबल बॉन्ड तो यहाँ रख दिया और एक डबल बॉन्ड अपने यहाँ ले, ठीक है, तो अब वही हेट्रोएंगुलर तो यह ही है क्योंकि अलग अलग है पहली चीज, तो इसीलिए इसका हेट्रोएंगुलर का हो जाएगा 214 mm पहला। सेकेंड थिंग स्टूडेंट्स हो जाएगा कि यहां से लगा करके अपन इसको कार्बन को कंजुगेशन में प्लेस कर देते हैं सी 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 और सी, ठीक है, तो ये 214 mm आ, ठीक है बच्चों। अब इसमें देखो ध्यान से रिंग रेजिड्यू कितने आए 1 2 3 और 4, ठीक है, इस कार्बन के दोनों काउंट करने 4, तो ये हो जाएगा 4 × 5 फिर 20 mm हो जाएगा बच्चों 20 mm, ठीक है। उसके बाद में ध्यान से देखिए एक्सटेंशन कोई भी नहीं है, रिंग रेजिड्यू आपके आगे, अब एक्सो वन
इस रिंग के लिए ये एक्सोइजर पर डबल हो गया, तो इसको बोलते हैं डबल एक्सोसाइक्लिक दोनों रिंग के। और डबल एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड अगर होगा तो उसको एक का कितना होता है 5, तो दो बार हो गया, इसके लिए भी डबल बॉन्ड और उसके लिए भी एक्सो, तो इसका अपन 10 कंसीडर कर लेंगे टोटल एंड फिर इसकी टोटल कर लेंगे। तो ये 4 हो गया, 1 3 और ये भी आपका 4 हो गया, और ये 214 nm आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, करते रहिए प्रैक्टिस साथ साथ में। ठीक है, तो ये इसका फाइनल आंसर, यानी कि आपको हर हाल में इस तरह के बेस वैल्यूज बच्चों याद रखनी है, उसके बाद आप कितने भी एग्जांपल्स इसके अंदर क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, और उसमें देखिए अगला एग्जांपल्स, यस, या डबल जैसे रिंग ली, रिंग के बाद डबल बॉन्ड ले लिया CH3, ठीक है CH3, और ये आपका CH2 बेस करके फिर आपका सी, इस तरह का कोई जैसे एग्जांपल आपको दे दिया, इसका कितना आएगा आंसर, है ना। तो इसका आंसर देखिए बच्चों, यस गैस करो फटाफट कितना आंसर आएगा। देखो अब देखो एक्सटेंशन से पहले तो ये देख लो कंजुगेशन का आ रहा है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ठीक है, तो सबसे पहले इस कार्बन के अंदर आप अपना कंजुगेशन लॉक कर दीजिए, ये कंजुगेशन सिस्टम हो गया। ठीक है, अब कंजुगेशन के बाद में सबसे पहले तो कौन सा आया, यस अगेन ओपन चेन है, तो 214 nm कंसीडर करना स्टूडेंट्स। ठीक है, और उसके बाद रेजिड्यू 1 रेजिड्यू 2 दो तो ये हो जाएंगे, तीसरा एल्काइल ग्रुप है वो भी उतना ही होगा, चौथा ये हो गया। तो ये आपका टोटल मैंने एक साथ ही लिख दिया 4 × 5 है ना 20 nm बिकॉज ईच 5। ठीक है, बस सीधी सीधी ये वैल्यू हो गई बच्चों 4 × 3 2 nm। ठीक है 4 × 3 2 nm। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर साथ में प्रैक्टिस करते रहिए कंटिन्यू। यस, अब इसमें देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हेट्रोएंगुलर होमोएंगुलर अपन ने बता दिया, एक ही रिंग में दो हो सके तो भी आपको कंसीडर करना है। ठीक है, याद रखिएगा इसका सारे के सारे एग्जांपल्स। तो ये मैंने आपको कुछ बेसिक एग्जांपल्स होती है इसके अंदर वो आपको बता दिए। ठीक है, अब इसी तरह से मान लीजिए रिंग के रिंग पूरी क्लोज होकर के का और एग्जांपल देख लीजिए, इस फॉर्म में ऐसे दे दिया। ठीक है, और डबल बॉन्ड ये ऐसे इस फॉर्म्स के अंदर। ठीक है, साइड में चाहे तो और डबल बॉन्ड इसमें प्लेस कर सकते हैं। यस, व्हाट विल बी द आंसर, तो ये होमोएंगुलर हो गया क्योंकि देखो रिंग के अंदर है दोनों, तो इसको सबसे पहला ए कंसीडर तो हो जाएगा कि ये होमोएंगुलर है, तो 253 nm इसका कंसीडर करना नंबर 1। दूसरा जो होगा बच्चों इसके अंदर, तो ये आपका सबसे पहले लॉक कर दीजिए, और उसके बाद में देखो 1 2 3 और 4। ठीक है, तो 4 इसके अंदर आप रिंग रेजिड्यू ऐड कर दीजिए, तो 4 आर की तरह हो गया रिंग आरईएस लिख दो रेजिड्यू, तो 4 का कितना हो जाएगा बच्चों 20 nm इसका हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल बस बाकी कुछ सब्सट्रेट इसमें है नहीं, देखो ये आ गया, इसके रेस्पेक्ट में 2 यहाँ थे, ये 2 यहाँ हो गए, बस बाकी कहीं पे भी कोई सब्सट्रेट है नहीं, तो 3 और ये हो जाएगा 7। ठीक है, और ये 2, तो ये 273 nm इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से इसमें बस ये 2-3 चीजें जो वापस रिकैप कर देता हूं, जब भी कभी आप ये आपका वुडवर्ड फिशर रूल था लैम्डा मैक्स कैलकुलेशन फॉर कंजुगेटेड आईइंस एंड ट्राईइंस के लिए। तो इसमें देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले बेस वैल्यूज एलिसाइक्लिक और हेट्रोएंगुलर हो तो 214 लीजिए, होमोएंगुलर हो तो उसको 253 nm ले लीजिए। इंक्रीमेंट फॉर ईच में देखिए स्टूडेंट, एल्काइल ग्रुप या रिंग रेजिड्यू हो तो उसका 5 nm से इंक्रीमेंट देना है। ठीक है, कोई रिंग रेजिड्यू का मतलब वो कार्बन रिंग का पार्ट हो तो भी उसको आर के इक्विवेलेंट मानते हुए 5 nm लेना अल्काइल्स के अंदर। एक्सटेंडेड कंजुगेशन जो होता है उसका एक डबल कंजुगेशन 2 पे खत्म हो जाएगा, तीसरा अगर पाई बॉन्ड और आपके पास में है तो उसका कंजुगेशन कितना लेना 30 लेना है, और एल्कोक्सी ग्रुप 6 nm लेना है। हैलाइड्स जो होते हैं वो 6 nm, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड रिंग के बाहर अटैच में आता हो रिंग में। ठीक है, तो उसका हमेशा आपको 5 nm जोड़ना है कितना रिंग, तो एक्सो के लिए और एक्सो एग्जांपल भी दिया हुआ 5 nm आप इसका ऐड करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका था वुडवर्ड फिशर रूल। ठीक है, वुडवर्ड फिशर रूल रिलेटेड टू अल्का डाइंस एंड ट्राइंस, इस तरह से प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है, थैंक यू।